बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर जो लड़की दुल्हन बने और उसकी रुखसती ना हो उसे कौन भी आता है? ये यकीनन यकीनन तुम्हारे आला जर्फ की निशानी है। तुमने तो शफीक भाई की सेहत का ख्याल किया, तुम्हारा एहसान है बेटा इस घर पर। हाँ तो फिर एहसान के बदले में एहसान होना चाहिए था। धोखा नहीं, फातिमा तुम्हें बताहिर से झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी? ये सब भाभी आपके और शफीक भाई के बेजा लाड प्यार का नतीजा है। सारी इज्जत खानदान की खाक में मिला दी इसने, और अब ऐसे रो क्यों रही हो जैसे कोई मजलूम हो तुम? कैसे हमारी इज्जत को खाक में मिला के ये वापस आई है? अब शफीक भाई आप क्या जवाब देंगे अपनी बहन को? क्या इतने लाड प्यार से वो इस दिन के लिए ब्याह के लेकर गई थी? अच्छी लड़कियां तो अपने ससुरालों में निभा करती हैं, अपना घर बचाती हैं, बसाती हैं, ऐसे यूं गैर मर्दों के साथ इश्क बाजियां नहीं करती। है तुम पर अच्छी लड़कियां तो अपने ससुरालों में निभा करती हैं, अपना घर बचाती हैं, बसाती हैं, ऐसे यूं गैर मर्दों के साथ इश्क बाजियां नहीं करती। दुनिया के रंगों में खो के जाते पीछे गुनाह के कोई भागता है, हर सू वीराने उसके